हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन यहाँ शिव मंदिर में भंडारा है। तो ये तो अभी सुबह का टाइम है, खिचड़ी बनी हुई थी और छाछ था। वहाँ पर जो काम करने वाले आए हैं भंडारे का, खाना वाना बनाने, उनके लिए बना था। तो बाकी सब भी घर वाले भी आज हमारे यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। तो सुबह में यही नाश्ता बना था और खाना तो शाम को है 9 बजे, तो लेकिन शाम के खाने की अभी से ही तैयारी हो रही है। चना है, देखिए चना भिगोया हुआ है और भजिया बनेगा, तो सभी की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और वीडियो में बने रहिए। तो शिव मंदिर है ये, शिव मंदिर में नाइट में जगराता भी था, आज पूरी रात जगराता चला था। तो वो तो मैं देखूंगी, आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मिर्ची है, मिर्ची बड़ा बनाने के लिए मिर्ची में मसाले भरे जा रहे हैं। 3-4 लोग बैठे हैं मसाले भरने के लिए और 2 लोग यहाँ पर मिर्ची बड़ा फ्राई कर रहे हैं। तो काफ़ी पब्लिक आई थी और बहुत ही अच्छा लगा था रात में जगराता। तो मिर्ची वड़ा बना था, बहुत सारा खाना बना था। जो उपवास रखे थे उनके लिए भी बना था और जो उपवास नहीं थे उनके लिए भी अलग से बना था खाना। तो सभी के लिए बहुत ही बहुत सारा खाना बना था, आम रस था, बहुत कुछ बना था खाने में। और नाइट में नाश्ता भी था। और ये देखिए, मिर्ची विर्ची काट के रखी हुई है और मिर्ची वड़ा फ्राई हो चुका है शायद। और यहाँ पर मिर्ची काटी जा रही है सब्जी के लिए। सब्ज़ी में गोभी दो किस्म की सब्ज़ी थी। और ये देखिए, मिर्ची वड़ा फ्राई हो गया है। मिर्ची वड़ा था और मिर्ची वड़ा और आलू का चिप्स भी बनाए थे और बहुत ही अच्छा बना था सब कुछ। खाने वाले कह रहे थे, वैसे तो हमारा तो उपवास है लेकिन खाने वाले तो बता रहे थे अच्छा बना था। और ये आलू के चिप्स हैं, आलू के चिप्स भी निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग बैठे हैं आलू को काट रहे हैं, पतले पतले काट रहे हैं, और कुछ लोग फ्राई करने के लिए बैठे हुए हैं। और वड़ा भी बना हुआ था, भजिया वड़ा, नाश्ते में भी काफ़ी आइटम था। तो आज दिन भर तो खाना ही बन रहा था, दोपहर से ही सब लग गए थे। सुबह में तो सब टेंट वेंट बनाने में लग गए थे, फिर दोपहर बाद खाने की तैयारी चालू हो गई थी। यहाँ पे देखिए, स्टेज भी तैयार हो चुका है, माता की मूर्ति बिठाने के लिए कितना बढ़िया सजावट किया हुआ है। और लोगों को बैठने के लिए गद्दे हैं और कुर्सियाँ भी लगाई हुई है। सब कुछ तैयारी बहुत ही अच्छी की हुई थी और डेकोरेशन भी बहुत अच्छा किया हुआ है। अभी मूर्ति लगानी है, बाकी अभी डेकोरेट का ही काम चल रहा है। और ये बाजू में मंदिर है, मंदिर के बाजू में ही पूरा डेकोरेशन का काम चालू है। थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए।